देवास जिले के एकमात्र अभ्यारण खिमनी के जंगल में सागवान के पेड़ों की कटाई जोरों से चल रही है। लकड़ी माफिया बेखौफ होकर जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई कर मौके पर ही सिल्लियां बनाते हैं। देवास जिले के खिमनी अभ्यारण के जंगल में जहां लकड़ी माफियाओं द्वारा कई पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, वहीं जंगल में कई अनगिनत पेड़ काटे गए जिसका प्रमाण टूट एवं पड़ी हुई लकड़ियों की टहनियां है। साथ ही जंगल के विभिन्न हिस्सों में बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी आसानी से देखे जा सकते हैं। इस तरह जंगल में हो रहे पेड़ों की कटाई व वन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता प्रदर्शित प्रकट करती है। वहीं जंगल किनारे वन विभाग के कर्मचारियों के भवन वर्षों से वीरान पड़े हैं। कर्मचारी बाहर से आवागमन करते हैं जिस कारण जंगल की सुरक्षा में सेंध लगाकर लकड़ी माफिया अपना काम कर जाते हैं। अन्नो और अन्य कक्षों में लकड़ी की कटाई हो रही है सागवान के पेड़ों की और परिवहन हो रहा है उसके बारे में। आपके द्वारा जो मुझे सूचना दी जा रही है और अवगत कराया जा रहा है, जो कंपार्टमेंट जो बताए गए हैं अवैध कटाई संबंध में उसकी जाँच में करवाऊंगा और अधीनस्थों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दूंगा। वहाँ पे जंगल किनारे स्टाफ के कक्ष बने उसमें कोई रहता नहीं, वर्षों से जानकारी में है, सब सुने पड़े, टूट फूट हो रही है उसमें। तो जो मकान आप बता रहे हैं वो बरसों पुराने हैं और उसमें रिपेयर की अति आवश्यकता है, ठीक है। तो उसमें जैसे बजट